बिहार के उपचुनाव में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सियासी बूस्टर देने का काम किया है। प्रशांत किशोर को लेकर के तमाम तरह की बातें पहले भी होती रही हैं। प्रशांत किशोर के एक फैसले ने तेजस्वी यादव को न केवल बूस्टर डोज दिया बल्कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव एक तरह से पूरा पिच हाथ में दे दिया हो। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या किया कि 4 सीटों पर हुए उपचुनाव को क्यों बिहार का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, और इन सब कयासों के बीच में एक समझना जरूरी होगा कि दरअसल बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 4 सीटों पर सभी अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच अब चुनावी मैदान में जन सुराज के उम्मीदवार भी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी इस सेमीफाइनल के बूते अपना शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में जुटी है। कहीं उन्हीं पर यह दांव भारी न पड़ जाए, ये भी कयास लग रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर अभी कम से कम बिहार की राजनीति में उतरने के लिए नए माने जा रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने आखिर जिन चीज़ों को लेकर के तेजस्वी यादव को अपने निशाने पर लिया करते थे, उन्हीं चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपने उम्मीदवारों को कैसे टिकट दे दिया जिसका फायदा उठाने में तेजस्वी यादव पीछे नहीं रहेंगे। अब जरा देखिए कि पीके ने टिकट बंटवारे में क्या कुछ गलतियां की जिससे राजद में खुशी की लहर है। क्राइम और दर बदर पर घेर रहे थे लगातार पीके, और प्रशांत किशोर लगातार तेजस्वी यादव को क्राइम और दल बदल के जरिए घेर रहे थे और लगातार सवाल भी उठा रहे थे। पीके लगातार ये मुद्दा उठा रहे थे कि तेजस्वी की पार्टी जाति और अपराधियों से बाहर नहीं निकल पा रही है, और इसी के नाते से लगातार आक्रामक होकर के हमला कर रहे थे। आरजेडी पर शुरू से ही अपराध से जुड़े नेताओं को तवज्जो देने का आरोप लग रहा था। ऐसे में पीके जिस तरह से मुखर थे उसमें आरजेडी के लिए 2025 में अपराध से जुड़े नेताओं को टिकट देना आसान नहीं था, लेकिन अब पीके की खामोशी कई सवाल उठा रही। दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी के अधिकांश क्षत्रप इसी तरह की राजनीति से आए हैं, चाहे रीतलाल यादव हों, चाहे फिर राजवल्लभ यादव हों या मुन्ना शुक्ला हों, सब पर बड़े अपराध में शामिल होने का आरोप है, और इसी के नाते से तेजस्वी को पीके की पढ़ाई लिखाई पर भी घेर रहे थे लगातार तेजस्वी को, और पीके उनके नवी पास होने को भी बड़ा मुद्दा बना रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से जन सुराज के 4 उम्मीदवारों का ब्यौरा सामने आया है उससे फ्रंट फुट पर तेजस्वी आ सकते हैं। अब तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पर आएंगे क्योंकि उसके पीछे के भी कुछ कारण है। पीके ने उपचुनाव में जिन 4 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है उनमें से 3 पर गंभीर आरोप में मुकदमा दर्ज है। बेलागंज के प्रत्याशी अमजद ने जो हलफनामा दाखिल किया उसके मुताबिक अमजद पर रंगदारी है, हमला और मारपीट के केस दर्ज हैं। इसी तरीके से इमामगंज के प्रत्याशी जितेंद्र पासवान पर भी चोरी और लूट का मुकदमा दर्ज है। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो पीके ने करीब 70% के आसपास जो प्रत्याशी उतारे हैं उन पर गंभीर मुकदमा का आरोप दर्ज है, और इसी के नाते से अब तेजस्वी यादव को भी मौका मिल गया है पीके पर हमला बोलने का। पढ़ाई लिखाई को लेकर के भी पीके लगातार हमलावर थे, लेकिन पीके के प्रत्याशी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। बेलागंज के उम्मीदवार मैट्रिक पास हैं, इसी तरह से इमामगंज वाले इंटर पास यानी 12वीं तक की पढ़ाई की है। तरारी के उम्मीदवार सुशील सिंह भी इंटर तक ही पढ़े हैं। सवाल उठ रहा है कि 4 सीटों पर पीके ज़्यादा पढ़े लिखे प्रत्याशी नहीं खोज पाए, 243 सीटों पर क्या होगा, और इन तमाम सवालों के बीच में एक सवाल जो है वो है दल बदल का। उसको लेकर के भी पीके 2 प्रत्याशी पहले भी पार्टी के दूसरे से चुनाव लड़ चुके हैं, यानी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि पीके नए नेता बनाने का वादा अपने रैलियों में करते रहते हैं। अब पीके ने जिस तरह से 50% सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं उसमें यह सवाल उठता है कि तेजस्वी के लिए संजीवनी साबित होगा क्या यह सब कुछ। प्रशांत किशोर जब राजनीति में आए थे तो सबसे ज़्यादा चिंता तेजस्वी यादव की ही बढ़ी थी। तेजस्वी को अपने कोर वोटर्स मुसलमान और यादव में सेंध लगने के साथ एंटी इनकम्बेंसी वोटरों के भी छिटकने का डर सता रहा था, लेकिन अब एक चीज़ है कि तेजस्वी की पार्टी ने पीके को लेकर के भी पत्र लिखा था। इतना ही नहीं, खुद तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे थे, और पिछले चुनाव में एनडीए की भले ही जीत हुई हो लेकिन दोनों ही गठबंधन में वोट का मार्जिन 2 लाख के करीब ही अंतर था। अब जिस तरीके से पीके का राजनीति में उभार हो रहा था उसे तेजस्वी की पार्टी टेंशन में चली गई थी। पीके जाति आपराधिक दल बदल जैसे बड़े मुद्दे उठा रहे थे। उपचुनाव ने पीके के लिए इन मुद्दों पर आगे की राह को मुश्किल कर दिया है। पीके अगर उपचुनाव में परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं तो 2025 से पहले तेजस्वी को सियासत का बूस्टर डोज मिल सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि सीटों पर उपचुनाव एक तरह से एक साल बाद चुनाव के लिए सेमीफाइनल है। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। जिन सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है उनमें तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ की सीट है। 4 सीटों के विधायक जो हैं वो सांसद चुन लिए गए हैं, इसके नाते से रिक्त हुई है। बिहार में अब से ठीक एक साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में विधानसभा की 243 सीटें हैं और यहाँ पर सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत होती है। मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के दलों में है। पीके की पार्टी मुकाबले को अभी से त्रिकोणी बनाने में जुटी हुई है, लेकिन अगर उपचुनाव में पीके जलवा नहीं दिखा पाते फिर जाहिर सी बात है कि फिर आगे का समीकरण क्या होगा
वो फिर वक्त और जनता तय करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।